हेलो दोस्तों, मैं हूं क्रिकेट वाला। क्रिकेट से रिलेटेड मैच रिव्यूज, अपडेट्स और प्रेडिक्शन के लिए हमारा यूट्यूब का चैनल क्रिकेट वाला सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी देकर आप हमें बता सकते हैं कि हम इस चैनल को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। और मैच से रिलेटेड भी कमेंट कर दिया करें कि कौन सी टीम यह मैच जीतने में कामयाब हो सकती है। आज हम आपको आईपीएल के 45th मैच के बारे में बताएंगे, जो कि खेला जाएगा दिल्ली डेयर डेविल और मुंबई इंडियंस के मामले। दिल्ली डेयर डेविल्स के लिए ये आईपीएल 10 ख़त्म हो चुका है। इज्जत के तरीके से इस टूर्नामेंट से बाहर होने के लिए मैच खेलेगी। उनके बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि वो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकें, और मुंबई इंडियंस की टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है, इसीलिए ये मैच कोई इतना मज़ेदार नहीं होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि मुंबई इंडियंस की टीम थोड़े से एक्सपीरियंस करे इस मैच में, कोई नया हो सकता है कि किसी अच्छे प्लेयर को रेस्ट की ड्रॉप कर दिया जाए, कि उसको रेस्ट दे दी जाए, जैसे जॉस बटलर हो गए या लेसिथ मलिंगा हो गए या केरन पॉलर्ड हो गए, किसी को भी रेस्ट दी जा सकती है और किसी नए प्लेयर को चांस दिया जा सकता है कि इस मैच में खिलाया जाए। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इस मैच का जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो आप पाकिस्तान के व्यूवर जो हैं वो जियो सुपर पर देख सकते हैं, जबकि जो इंडिया के हमारे नाज़रीन हैं वो इस मैच को सोनी 6 और सेट मैक्स पर, जो कि हिंदी में कमेंट्री करता है, उस पर लाइव स्ट्रीमिंग इसकी देख सकते हैं। अब तो टॉस की तरफ आते हैं, तो जहाँ तक टॉस का ताल्लुक है तो डीडी की टीम अगर टॉस जीतती है तो वो यकीनन पहले बॉलिंग करेगी और बाद में बैटिंग की तरफ जाएगी। इसी तरीके से मुंबई इंडियंस की टीम के लिए टॉस की कोई अहमियत नहीं है, चाहे टॉस जीतें या हारें, डीडी के साथ वो बहुत ईजीली मैच को खेलेंगे और इसीलिए उनके लिए टॉस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब मैच प्रिडिक्शन की तरफ जाते हैं। जहाँ तक मैच प्रिडिक्शन का ताल्लुक है तो यकीनन सारी तमाम मैचेस की परफॉर्मेंस को देखते हुए हम इजीली इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मुंबई इंडियंस की टीम यह मैच जीतने में कामयाब हो जाएगी और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हासिल कर लेगी और दोबारा टॉप पोजीशन पर चली जाएगी। तो क्रिकेट से रिलेटेड मैच रिव्यू, अपडेट्स और प्रिडिक्शन के लिए हमारा यूट्यूब का चैनल क्रिकेट वाला सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप हमें अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह कर सकते हैं कि इस चैनल को किसी के हम बेहतर से बेहतर बना सकते हैं आप लोग।